हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत कर रहे होंगे। यार ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे और एक्चुअली दो ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कुछ लोग जो प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं या तो वो आगे चलकर चीज़ें को छोड़ देते हैं और या तो स्टार्टिंग में ही चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो ऐसी चीज़ को ध्यान से मैं बताऊंगा और आप उस चीज़ को समझिए भी। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कैसे, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अगर देखें तो हमारी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी बन चुकी है, आप खुद देख लो, हमारे 2 लाख से ज़्यादा सिर्फ यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और तमाम मैंने ट्रेनिंग बैचेस लिए हैं, बहुत सारी कंपनियों में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराई है। तो वहाँ से एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन आती है कि सर मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी सीख चुके हैं, जैसे कोर जावा सीख चुके हैं और एडवांस में हम स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं या कोर पाइथन सीख चुके हैं, जेंगो हम सीख रहे हैं या मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कुछ एडवांस, किसी भी टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांस पार्ट अगर सीख रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और वो एक बहुत बोरिंग प्रोसेस बन जाता है और फिर वहाँ से भी लोग क्या करते हैं, हार मान के चीज़ें छोड़ देते हैं। अब वो दो कौन सी प्रॉब्लम है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिगिनर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो भैया जो एक्सपर्ट है उनके लिए वो वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ठीक है, सब चीज़ चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आप कहाँ से हो, अपना नाम लिखना कमेंट स्क्रीन मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ यार मैं बात करूँगा कि भाई अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो आप उस टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का जो फंडामेंटल है वो आपको सीखना अच्छे से चाहिए और उस पर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। अब लोग क्या गलती कर देते हैं, सपोज उनको कोई जावा सीखनी है तो कोर जावा पे बहुत ज़्यादा कम टाइम देते हैं और वो एडवांस चीज़ों पे पहले से ही सोचते हैं कि यार मैं एडवांस चीज़ें सीख लूँ, जबकि इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल क्या है, कोर जावा। तो कोर जावा अच्छे से सीखनी चाहिए। जेंगो आपको सीखना है, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले यार आपको कोर पाइथन अच्छे से सीखनी चाहिए। तो कहने का मतलब आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करिए, फंडामेंटल्स पे टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए। जब आपके पास जब एक बार फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तब आपको कोई आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप ऐसे सोचो यार, आप कोई घर बना रहे हो और नींव आपने एकदम मजबूत रखी है तो आप कितने ही फ्लोर बनाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इवन जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन और कह सकते हो बार बार आपको जा करके कोर फंडामेंटल्स के चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये टास्क क्या है, ये टास्क बोरिंग भी नहीं बनेगा, ठीक है। होता है क्या यार, बहुत बार बोरिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मशीन लर्निंग सीख रहे हो यार, और वहाँ पे आप कोर पाइथन या फिर कोई कोर टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो। अब बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, उस टेक्नोलॉजी को पहले जाकर सीखना पड़ रहा है। आप क्लासेस फंक्शन फंस गए, सेल्फ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पा रहे हो, फंक्शन कॉलिंग नहीं आ रही है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं पास कर पा रहे हो, टाइप्स के बारे में नहीं पता है, तो ये सब चीज़ आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। और अगर अच्छे से कोर फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं और आप अचानक से मतलब कूद गए तो भैया भुगतो, दिक्कत तो हो ही जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले फंडामेंटल्स स्ट्रांग करने किसी चीज़ का भी। फंडामेंटल्स मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार कि उनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज ही नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं है और वो नॉलेज एक्चुअली गेन भी नहीं करना चाह रहे, उनकी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। उनको सिर्फ ये करना है, वो करना है, दैट्स इट। जल्दी से जितना जल्दी हो सके हम चीज़ें सीख लें, जितना जल्दी हो सके ये भी सीख लें वो भी सीख लें, नहीं, बिल्कुल गलत है ये तरीका, ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आपको फंडामेंटल्स स्ट्रांग करने हैं। फंडामेंटल कैसे स्ट्रांग होंगे भाई, आपको ध्यान से कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। भले ही एडवांस पढ़ते समय आप थोड़ा सा जल्दी कर दो, बट कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको हमेशा आराम से पढ़ना चाहिए। आई थिंक पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आपको पता भी चल गया होगा कि भैया आपको कोर फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो चाहे कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, इवन टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, कोर फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे चल के, ठीक है। सो फ्यूचर के लिए कोर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोर फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, दूसरी चीज, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो और अगर आप किसी चीज में काम कर रहे हो तो वो चीज बोरिंग हो जाती है यार। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी, अभी हम थोड़ा सा कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड में बात कर रहा हूं यहां पे,
तो वहाँ पे आप कोई चीज़ें क्रिएट करना सीखो। जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो आप कोई ऐसी चीज़ सीखो यार जिससे कुछ बन के सामने दिखे, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाओ ना उस चीज़ को। आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो, जैसे आप जेंगो सीख रहे हो, तो जेंगो को इंटरेस्टिंग बनाओ ना, ठीक है। या जेंगो को इंटरेस्टिंग बना कैसे सकते हो भाई, आप प्रोजेक्ट उसमें करो, आप उसमें वेब पेज बनाओ, वेब पेज में डायनेमिक डेटा भेजो। अगर उसकी सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट उठा के पढ़ने लोगों के बैठ जाओगे नोवेल की तरह, तो फिर कैसे काम हो जाएगा। तो वहाँ पर गलती हो जाती है लोगों से, मतलब 50% लोग तो ऐसा करते ही करते हैं यार, फिर बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। मज़ा कैसे आएगा भाई, जब उस चीज़ समझो तो यार, टेक्नोलॉजी है, फ्रेमवर्क्स है, जिस काम के लिए बनाए गए वो काम करो ना, ठीक है। सो आप क्या करो, इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। और इंटरेस्ट एक बार पैदा हो गया, इंटरेस्ट बन गया, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता यार, मज़ा आने लगेगा उस काम करने में। फिर आपको इन्हें देखना पड़ेगा कितना बड़ा सिलेबस है, कितने टॉपिक्स बचे हैं, एक प्रोजेक्ट बना लें, दो प्रोजेक्ट बना लें, इतना ही इनफ रहेगा, ये प्रोजेक्ट सीवी में डालने लायक है कि नहीं है, और अगर ये प्रोजेक्ट डालने लायक है तो बस इतना ही रहने देते हैं, इससे सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यार वो सब चीज़ अलग की बात है, वो सब अपने दिमाग से निकाल दो, बस समझ में आ रही। अपने आपको खुद मोटिवेट करो, इंटरेस्ट पैदा करो, टेक्नोलॉजी में मजे लो भाई, टेक्नोलॉजी मतलब एक मजे से काम करो ना, जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उसमें इंटरेस्ट लो भाई, वो क्या काम करे एक्चुअली, उसका पर्पस क्या है, जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ को बनाओ, उस चीज़ को यूटिलाइज करो, मतलब समझ रहे हो ना। सपोज आप नोट जेएस पढ़ रहे हो, तो नोट जेएस किस लिए बना है उसका यूज करो। आप मन स्टैक करो, मिन स्टैक करो, तो मन स्टैक सीखो, मन स्टैक का क्या यूज़ है, आपके लिए वो कैसे यूजफुल हो सकता है। कोई प्रोडक्ट बनाओ, कोई ऐप बनाओ, बात समझ में आ रही, तो वहाँ पे इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आप थोड़ा सा नज़रिया अपना चेंज करो, चीज़ें अपने आप से बदल जाएंगी। सो दो, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक है यार, और मुझे मतलब बहुत सारे लोग ये चीज़ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें मज़ा नहीं आ रहा है, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैंने छोड़ दिया था, फिर से मैंने स्टार्ट किया और फिर से मुझे ये करना है और मुझे जॉब लेनी है, ये चीज़ करनी है। तो यार सिंपली दो चीज़ आप मत करो। पहली चीज़, आप बेसिक्स से मत भागो, फंडामेंटल से मत भागो, ठीक है। लोगों को लग रहा है स्प्रिंग बूट सीख लेंगे हमारी जॉब लग जाएगी, भाई पहले बेसिक तो सीखो, फंडामेंटल तो सीखो, ठीक है। तो फंडामेंटल से मत भागो, फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज फंडामेंटल से ही चीज़ें पूछे जाएंगे। उन लोग को पता होता है कि यार कंपनी में अगर आप आओगे तो काम कर ही लोगे, चीज़ें सीख लोगे, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल से नहीं भागना चाहिए हमेशा, अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ का फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करना आपको आना चाहिए। इंटरेस्ट अगर आप क्रिएट कर लोगे तो फिर आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा, देन आप काम करने लगोगे। जब तक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा यार, दो दिन कर लोगे, तीन दिन कर लोगे, चार दिन कर लोगे, पाँच दिन कर लोगे, छः दिन कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप ये देखोगे नहीं यार जॉब लगनी है, ये लगनी है, फिर आप टेक्नोलॉजी में काम करते ही जाओगे, करते जाओगे। हम लोग का पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग कराने में इंटरेस्ट है, बहुत सारी में इंटरेस्ट है, तो हमें देखना ही पड़ता है यार, दो व्यू आएँ, चार व्यूज़ आएँ, छः व्यूज़ आएँ, दस व्यूज़ आएँ, हज़ार व्यूज़ आएँ, 1500 व्यूज़ आएँ, हमें तो आप लोग को सिखाना है, इसी मज़ा आता है। तो अब हम व्यूज़ देखते ही नहीं है वास्तव में। तो आप इंटरेस्ट डेवलप करो, आपका काम 100% वो चीज़ आपको समझ में आएगी। सो ये प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको आप तक पहुँचाना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। आई होप आपको मज़ा आएगा, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, कोडिंग सीख पाओगे और लाइफ में कुछ चैलेंजिंग कर पाओगे, साथ ही साथ में लाइफ में सक्सेस पा पाओगे। क्योंकि यार देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं एंड ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने झेली हैं तो यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।